नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। कैसे इतना जल्दी सब कुछ हो गया? दशकों से नाकामी, अंधेरे में मिली कामयाबी, कौन है इसका रचनाकार? हम बात कर रहे हैं धारा 370 की। किसने तोड़ा इस चक्रव्यूह को? एक ही नाम सामने आता है, वो है भारत के जेम्स बॉन्ड। ये कोई फिल्मी कलाकार नहीं बल्कि हकीकत है। भारत के लिए जीने मरने का जज्बा, कुछ भी कर गुजरने की ललक, हर हालात में जिम्मेदारियों को निभाने की कला, शक्ति, सामर्थ्य और साहस से परिपूर्ण। हम बात कर रहे हैं अजीत डोभाल की। अनुच्छेद 370 और अजीत डोभाल का मिशन कश्मीर, जो कुछ दिन पहले ही घाटी में आए और अपना काम कर गए, गजब की प्लानिंग का ये किस्सा। पिछले कुछ दिनों से, कहें कि करीब एक महीने से, कश्मीर के साथ पूरे देश में गहमा गहमी थी, तरह तरह की चर्चाएँ हो रही थी। घाटी के नेताओं का बार बार एक ही सवाल था, आखिर क्या होने वाला है, जिसकी जानकारी केवल सरकार में बैठे कुछ चुनिंदा लोगों को ही थी। इन्हीं लोगों में से एक ऐसा नाम था जिसका प्लान भी तभी पता चलता है जब उसे अंजाम दे दिया जाता है। वो कोई और नहीं बल्कि देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल हैं, जिन्होंने सरकार के लिए बनाई थी रणनीति और जिसको अंजाम तक भी पहुँचाया, जो सीक्रेट मिशन के तहत NSA अजीत डोभाल श्रीनगर पहुंचे थे, जिन्होंने खुफिया विभाग और एजेंसियों के साथ मिलकर अलग अलग बैठकें कर घाटी की मौजूदा हालात और स्थिति का जायजा लिया, अपने दौरे को पूरी तरह से टॉप सीक्रेट रखा। ऐसा वो एक या दो बार नहीं बल्कि कई बार कर चुके हैं, इसीलिए उन्हें भारतीय सेना का अर्जुन कहा जाता है, जिसका तीर सीधा निशाने पर लगता है। कोई चूक की गुंजाइश नहीं बल्कि अचूक वार। ये चर्चाएं तब आम हुई जब NSA ने राज्यपाल के सलाहकार विजय कुमार, मुख्य सचिव VR सुब्रमण्यम, DGP दिलबाग सिंह, IG SP पाणी से मुलाकात की थी। उनके साथ दिल्ली से IB के एक अधिकारी भी आए थे। उनके सीक्रेट मिशन पर घाटी में आने की चर्चा आम हुई तो अनुच्छेद 35A और 370 को हटाए जाने को लेकर अटकलें तेज हो गई थी। आपको बता दें कि प्लान इतना सीक्रेट था कि लोग भांप भी नहीं पाए कि आखिर क्या होगा और क्या होने वाला है। वहां के राजनीतिक दलों में भयंकर गर्मा गर्मी थी। हर बार की तरह सबका एक ही सवाल था कि आखिर क्या हो रहा है। उस समय ऐसी उम्मीदें जताई जा रही थी कि NSA अजीत डोभाल आज कश्मीर घाटी का दौरा कर सकते हैं, जहाँ पर वे वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों के साथ जमीनी हालात की समीक्षा करेंगे। उस समय एक बात करीब करीब बिल्कुल साफ थी कि अमरनाथ यात्रा की समाप्ति का मतलब सरकार ने कुछ बड़ा प्लान किया है। उस समय और कोई संसाधन नहीं थे जानकारी लेने के, सूत्रों से इस बात का पता चल रहा था कि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर को लेकर के बड़ा बदलाव करेगी, जिसका सीधे तौर पर ताल्लुक था अनुच्छेद 370 की समाप्ति। आखिर वो दिन आ भी गया। देश के इस महानायक के बारे में जानने को बहुत कुछ है, लेकिन वह हम किसी फिर वीडियो के अंदर लेकर आएंगे, जिसकी पूरी जानकारी होगी। इस समय कुछ वायरल वीडियो हो रहे हैं जिनको हम लेकर के आपके सामने आए हैं। ये सीक्रेट वायरल वीडियो धारा 370 हटने के बाद वायरल हुए, जो व्हाट्सएप, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। इसी के साथ पल पल की ये विशेष रिपोर्ट। पूरे हिंदुस्तान के अंदर में कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ पर अगर समस्या आई हो, जहाँ पर राष्ट्र को जरूरत पड़ी हो अपने बल की और अपने उसकी प्रयोग करने की, जहाँ पर सियासी नहीं है, चाहे वो इलेक्शन हो, चाहे वो फ्रंट हो, चाहे वो लॉ ऑर्डर हो, चाहे कॉमिनल राइट्स हो, और जहाँ जहाँ वो कही है, जिस कामयाबी से उसने अपना फर्ज निभाया, वो हम सब के लिए बहुत ही ज़्यादा उसका विषय है। कश्मीर के अंदर में विशेषकर कश्मीर और वेस्ट इंड एक्सट्रीमिस्ट एरिया के अंदर में ये दो खास जगह हैं जहाँ पर सियासी के लोगों ने बहुत उत्कृष्ट सेवा दी। यहाँ पर आप लोगों ने जो सेवा की है उसका कोई मुकाबला नहीं। आप लोगों का डिसिप्लिन, आप लोगों का मोराल, आप लोगों की हिम्मत, हौसले और आप लोगों की लीडरशिप है, इस सब पे हमें बड़ा फख्र है। और मेरा तो खैर सीआरपी से, क्योंकि मैं पुलिस डिपार्टमेंट से 52 साल से मैं रहा हूँ, कई बार कई लोगों के साथ में, कई यूनिट के साथ में काम करने का भी मौका मिला है, मिलने का भी मौका मिला है, कई आपकी खिलाड़ी
आप जो लोग वो नहीं रहे उस टाइम के, शायद आप लोग को पैदा भी नहीं होंगे उससे पहले, मैं कोई भी शायद पैदा नहीं होगा 1968 से कितने लोग पहले पैदा हुए, तब मैं आई पी एस में और उसके बाद से लेकर अभी तक कम कर गया। उसने जहाँ जहाँ उसके लिए बहुत बड़ा नाम अच्छे पलाव जो बढ़ाना था, सबको रिक्वेस्ट किया कि लड़के हमारे इतने जबरदस्त ईमानदारी से ड्यूटी करते हैं, मुश्किल अलाउंस पे ड्यूटी करते हैं, एकदम हर छः पलाउ बढ़ गया। अभी बात करी थी राशन अलाउंस वाला, तो वो भी देखते ही देखते दो चार दिन के अंदर ऑर्डर आ गया। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं इनमें सर हमारा हमेशा सपोर्ट करते हैं और इन्हीं की वजह से ये चीज़ें जो है जल्दी से हो जाती हैं। आज हमारा मन था कि सर आकर के खुद आप लोगों को मिलें और आपके चेहरों को देखेंगे, कोई मायूसी तो नहीं है, आप लोग मजबूत हैं कि नहीं, जम्मू कश्मीर पुलिस कितनी मजबूत है और हर तरह की हालात का मुकाबला कर हमको मालूम है कि सीआरपी जो फोर्स है हमारे देश की, उसका पूरे देश को बात जो ड्यूटी आपने की है, छोटी से छोटी नहीं लेके बड़ी से बड़ी ड्यूटी, पूरे हिंदुस्तान के अंदर में कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ पर अगर समस्या आई हो या जहाँ पर राष्ट्र को ज़रूरत पड़ी हो अपने बल की और अपने उपयोग करने की, जहाँ पर सीआरपी नहीं, चाहे वो इलेक्शन हो, चाहे कॉर्नर राइट, और जहाँ जहाँ वो मिले जिस कामयाबी से उसने अपना फल चुनाया, तो हम सब उसका विषय कश्मीर के अंदर में विशेष कर सकता हूँ। कश्मीर और घट जाता है, सुधारना